जय हिंद। एनसीसी इनरोलमेंट में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि क्लास ट्वेल्थ के बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें एनसीसी नहीं मिल पाती। क्लास इलेवेंथ में लोग एनसीसी लेते हैं तो इलेवेंथ में फर्स्ट ईयर होता है, ट्वेल्थ में सेकेंड ईयर होता है, तो सेकेंड ईयर में बी सर्टिफिकेट उनका हो जाता है। सी सर्टिफिकेट करने के लिए जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एनसीसी की भर्ती के लिए जाते हैं तो उनको एनसीसी नहीं मिल पाती। तो बहुत ही ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आपने बी सर्टिफिकेट कर लिया, उसमें ग्रेड भी अच्छा है, और सी सर्टिफिकेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनसीसी का, वो आपका नहीं मिल पाता और एनसीसी में ब्रेक लग जाता है। तो सेम प्रॉब्लम ये दो कैडेट्स के साथ है। ये हमारी यूनिट 26 यूपी गर्ल्स बटालियन की कैडेट रह चुकी हैं। क्लास ट्वेल्थ में इनका सेकेंड ईयर था एनसीसी का, बी सर्टिफिकेट में इनको ग्रेड भी अच्छा आया है। आपका क्या ग्रेड था? बी ग्रेड, विच इज अ गुड ग्रेड। आपका अल्फा, अल्फा इवन बेटर ग्रेड, अच्छा है। इवन ये लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। आपके कितने मार्क्स आए? 86% 12th में। आपके 80%। आमतौर पर जब एनसीसी का एनरोलमेंट होता है तो कई चीजें देखी जाती है। पहले तो आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। आपको रनिंग कराई थी? यस मैम। रनिंग में पोजीशन ठीक आई थी? यस मैम। रनिंग देखी जाती है, फिर आपका हाइट वेट देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा उनको चाहिए, पर एक स्टैंडर्ड हाइट है, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, वो ये वो देखते हैं। और फिर इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि आप पढ़ाई में कैसे हो। मतलब बहुत पुअर को वो लेना ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, पढ़ाई में ठीक ठाक, ये तो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, ग्रेड भी इनका बी में अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉलेज में एनसीसी नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि वहां पर ये मेरिट में नहीं आ पाए, वट एवर बी द रीजन। अब देखो मैं बताती हूँ, जब एनसीसी की भर्ती होती है तो एक लिमिटेड सीट्स होती हैं कि इतने बच्चों को एनसीसी मिलेगी, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते, ठीक है। आप जिस यूनिट में भर्ती होने जा रहे थे वहाँ पर मिक्स्ड बटालियन है कि गर्ल्स बटालियन? मिक्स्ड बटालियन। तो मिक्स्ड बटालियन में गर्ल्स के लिए और प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज गर्ल्स की परसेंटेज कम होती, 33% गर्ल्स ली जाती हैं और बाकी बॉयज। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जहाँ एडमिशन लिया है वहाँ पे 26 यूपी बटालियन की एनसीसी नहीं है, वहाँ पर 83 बटालियन कोई और जो मिक्स्ड बटालियन है उनकी एनसीसी है। तो लड़कियों की सीट वैसे ही कम थी, ऊपर से मेरिट पे नहीं आ पाए, तो जितनी लिमिटेड सीट है उतना उन्होंने भर्ती किया होगा। इसके अलावा 3-4 रिजर्व लिए होंगे, तो रिजर्व में भी आपका नाम नहीं आ पाया। तो ऐसे में क्या करें? तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में थोड़ी राय दूंगी। देखो, आपको एनसीसी अभी भी मिल सकती है, हताश होने वाली कोई बात नहीं है। आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? यस मैम। इसलिए भी एनसीसी ये लेना चाहते हैं बिकॉज एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट में अच्छा ग्रेड आएगा तो आगे आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आर्मी ज्वाइन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए। इनफैक्ट आर्मी में तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होती जो विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर एनसीसी कैडेट्स। तो आई कैन अंडरस्टैंड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है सी सर्टिफिकेट। नाउ व्हाट कैन यू डू? आप एक तरीका है, आप एएनओ से जाके मिलिए। आपके एएनओ को मैंने भी फ़ोन किया है और रिक्वेस्ट की है, दीज आर गुड गर्ल्स, दे आर गुड इन स्टडीज़, इनका बी सर्टिफिकेट में ग्रेड भी अच्छा है। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है अगर कोई कैडेट एनसीसी छोड़ती है, पहले तो चांस रिजर्व वालों को मिलेगा और रिजर्व में सिर्फ 3 ही लड़कियां हैं। और मान लेते हैं कुछ लड़के एनसीसी छोड़ दें, जैसे कभी कभी होता है, मैं एनसीसी में कई सालों से हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि 5-6 लड़कियां एनसीसी छोड़ देती हैं। वो शुरू में एनसीसी की क्लासेस में आती हैं, फिर उनको एनसीसी टफ लगता है या पढ़ाई के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं या फिर घर वालों का इतना सपोर्ट नहीं होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो एनसीसी छोड़ देती हैं। ऐसा होने पर इनको ड्रॉप आउट्स बोलते हैं, आपको चांस मिलेगा। लेट्स अज्यूम 5 लड़कियों ने एनसीसी छोड़ दी तो 3 तो रिजर्व वाली आ गई, तो 2 जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो आपको मिलेगी। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, पहले तो आप एएनओ को मिलो, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको ये शो करो कि तुम्हें कितना इंटरेस्ट है, क्यों तुम डिजर्व करते हो, प्रूव करो कि सर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मेरा ग्रेड भी अच्छा है और ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। और सिर्फ एक बार मिलकर नहीं होगा, 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलना, फिर 3-4 हफ्ते बाद दोबारा मिलना, क्योंकि एनसीसी कोई छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है ये पता लगाना तुम्हारा काम है, ना कि एएनओ तुमको आकर बताएगा कि भाई यहाँ पे सीट खाली आ जाओ, तुम्हें उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा, समझ में आया। और हताश मत हो, एनसीसी मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बात भी कर चुकी हूँ फ़ोन पे। मान लेते हैं वर्स्ट सिनेरियो कि फिर भी एनसीसी नहीं मिली, किसी ने छोड़ी नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं आया, फिर क्या करोगे? पता क्या करोगे? अगले साल ट्राई करो।
सेकेंड ईयर में भी एनसीसी ले सकते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता। और कई लोग सोचते हैं कि एनसीसी में अगर ब्रेक लग जाए, जैसे बी सर्टिफिकेट के बाद तुम्हारा ब्रेक लग गया तो उसके बाद फिर एनसीसी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अगले साल भी मिल सकती है, पर इतना नेगेटिव मत सोचो, हो सकता है इसी साल मिल जाए। और अगर इनको एनसीसी मिल गई ना तो अगला वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। चलिए, जय हिंद।